और चैनल हुनरदान संस्थान। तो आज आप सबके सामने मैं सरिता सोनी हुनरदान संस्थान की डायरेक्टर लेकर आ रही हूँ मेकअप सेमिनार। तो आज आप सब महिलाएं और गर्ल्स जो भी हैं, वुमेन्स एंड गर्ल्स, घर बैठी ही हमारी संस्था की तरफ से जो भी ये मेकअप सेमिनार है लगाया गया है एक दिन का, बिल्कुल फ्री है। 1 आवर्स के लिए ये मेकअप सेमिनार लगाया गया था, जिसमें महिलाओं को बहुत कुछ मेकअप टिप्स और ब्राइडल मेकअप से रिलेटेड टिप्स, इसके अलावा साइड मेकअप, बहुत ही यूनिक एंड HD मेकअप सिखाया गया, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप सबके सामने लाए गए हैं। तो आइए देखते हैं। ऑफिस जाते टाइम पर कैसी आई शैडो, उसका कलर चूज करना चाहिए, क्या चूज करना, राइट? यही पूछ रहा जी। ओके, मैम मोस्टली जो जैसे बताया जाता है आई शैडो जब लगाई जाती है, जब ऑफिस जाते टाइम या कोई फॉर्मल्स या फिर ऑफिशियल के टाइम पर, तो आप मोस्टली ब्राउनिश शेड लेते हो, ब्राउन हो गया या फिर लाइटिश पिंक हो गया, ऐसे ऐसे आप शेड यूज करते हो। हमें हुनरदान संस्थान में ये चीज सशक्तिकरण कैसे करा जाता है, कैसे एक एक चीज से ओरिएंटेड हो सकती है, औरतों के लिए हो सकती है, बिल्कुल मैम औरतों के लिए हो सकती है, ये चीज हमें बिल्कुल, हमारा संस्थान इन्हीं सारी चीजों के लिए काम कर रहा है। सॉरी मैम, मैं कह रही हूँ मैम, अच्छा है, यही हमारे संस्थान का मोटो है, टारगेट यही है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, नारी सशक्तिकरण, लोग जागे, लोग देखे, समझे कि किस तरीके से महिलाएं एक दूसरे के सपोर्ट में है। बस मॉडल तैयार होने वाली है। अच्छा, अभी उनकी एंट्री बाकी है। ओके, सो thinking it's gonna shield the one you love like they bulletproof, just like popping out when they know the truth. Okay, हमारी ब्यूटी क्वीन तो आप ही हैं। बस हमारे नेक्स्ट को कहिए, बस प्रिपेयर हो रही है। मैं बोल रही हमारी ब्यूटी क्वीन आप हैं, आप पसंद से आके कंप्लीट करते हैं। हेलो, मैम नेटवर्क इशू कर रहा है कुछ। हेलो मैम, आपने बहुत अच्छे से क्लास लिया है और बहुत अच्छा लगा आपका क्लास, ये जो अभी काम हुआ सिस्टम और कुछ हो कि अगर ऐसे ही कई जन करके आते हैं और ज्वाइन करा बहुत खुशी होगी। बिल्कुल मैम। अच्छा, आप आपकी वॉइस प्रॉब्लम कर रही है वैष्णवी मैम, आपकी वॉइस प्रॉब्लम कर रही है बहुत ज्यादा। सो मैं बोल रही कि आपको कोर्स के बारे में जस्ट 27,000, लेकिन वो वर्थ है, उसमें आपको एक चेयर, न्यूट्रिशन मिरर और साथ ही साथ में आपको वैक्स सीटर और एक मसाजर जो आता है मसाज करने के लिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, वही आपका बड़े आराम से 7,000 से अबाउट है, तो आपका कोर्स तो फ्री ऑफ कॉस्ट से सिखा जाएगा, लेकिन ये कोर्स आपका बेसिक होगा और ये आपको आकर के सलून में सीखना होगा, राइट? एक तो ये है, सेकंडली अगर जिसको प्रोफेशनल कोर्स करना है, एडवांस बेसिक्स टू एडवांस करना है, वो भी हम लोग सिखा रहे हैं। वैसे तो हमारी फीस बहुत जस्ट रहता है,
उसमें आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी सिखाया जाएगा, साथ ही साथ में आपको जितना भी ट्रेनिंग देनी है वो दिया जाएगा, पूरा मेकअप बेसिक सिखाया जाएगा, एडवांस सिखाया जाएगा, उसमें हेयर कट सिखाया जाएगा, बहुत चीजें कि आप बड़े आराम से पार्लर या सैलून खोल सकते हैं। तो आप सबको अगर इंटरेस्ट है तो आप मेरा जो टैग करा हुआ है वो नंबर पे आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो, और भी क्वेरीज हो तो आप बताइए, हम लोग बहुत उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे अगर आपके पास प्रॉब्लम है। इवन आप लोग अपने फ्रेंड्स क्योंकि एक ये भी चीज होना है कि माइक में कैसे बोला जाएगा, कैसे हम किसी को प्रेजेंट करेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है हमारे फील्ड में। तो शाई नहीं होना है, आप लोग को आगे होकर के डिस्कस करना है ताकि आप में एक बहुत अच्छी कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो। बिल्कुल, तो आप लोग आगे पार्टिसिपेट करिए, इट्स ओके, हर एक कोई गलती करता है, मनुष्य है हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी प्रकार हम लोग सीखेंगे, इसी प्रकार आप लोग पूछिए, करिए, डिस्कस करिए, और धीरे धीरे आप लोग को भी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा ना। अपन आए हैं धरती पर तो कुछ ना कुछ तो करके जाएंगे ना, बस यही तो बात होनी चाहिए। सही कह रही हैं आप, बिना नाम के गुमनाम होकर के हम नहीं चले जाएंगे। हमने भी यही सोचा था, मैंने बहुत संघर्ष करना है दुनिया से लड़ लड़ कर पोजिशन पर पहुंची। हम लोग बाद में मुझे ये कहा, नहीं आप ये क्या कर रहे हो, आप उस तरह लेके खड़े आज जन मुझे सैल्यूट करते हैं और वो पूछते मैम आप किस पोजीशन पर पहुंच गए। तो मैंने करना पड़ता है, हर चीज में हमें संघर्ष बहुत जरूरी है। अगर हम संघर्ष करेंगे एक ना एक दिन तो हमें कुछ मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे, सोचे कि नहीं हम नहीं कर सकते, अरे नहीं तो वो नहीं, आप ठान लीजिए ये करना है मतलब करना, आज नहीं तो कल वो सक्सेसफुल होंगे होंगे। मुझे भी 27 इयर्स राउंड अबाउट हो गए हैं और अब मैं इस पोजीशन पर पहुंची हूं, सोचिए मैंने कितना संघर्ष करा। तो मैं चाहती हूँ आप लोग को भी मोटिवेट करूँ, आप लोग भी आइए, बढ़िए, सीखिए और अपने पांव पे स्टैंड हो जाइए, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाता है, बिल्ड हो जाता है। और हम दूसरे को भी इसी प्रकार, हमने बहन है जो बेचारे वीक है, कमजोर है, उन लोग को आगे प्रेरित करिए कि आप खड़े रहिए, अपने स्टैंड करिए, अपने लाइफ को आगे बढ़ाइए। ये नहीं कि हम किसी के ऊपर डिपेंड होकर बैठे और हम वुमेन से तो सोचे हम क्या करें, हम औरत है, नहीं, हम लोग एक नारी शक्ति है। बिल्कुल, आप सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि आप सिखाने के साथ साथ लोगों को सकारात्मक विचार भी देती हैं, सबसे अच्छी बात। थैंक यू मैम, वेलकम मैम। सो मॉडल आने वाली है, ओके मैम। ओहो वाओ, म्यूजिक भी ऑन है। वी कैन टेक द स्विंग, ब्यूटीफुल लग रही है मैम, बहुत ब्यूटीफुल है। से वो फर्स्ट टाइम बेचारी तैयार हुई है, वो अच्छा अपना दे रही है। आईज क्लोज, वेरी नाइस, वाओ क्या बात है।
ओरिजिनल पिक्चर्स लेके मुझे शेयर कर दीजिएगा. ओके बिल्कुल मैम. ओके मैम. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आप सबका धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया. मैं आप सबके सामने दिन प्रतिदिन कुछ नया लेकर के आने वाली हूँ अपनी महिलाओं को, समाज को आत्मनिर्भर बनाने के लिए. बने रहिए हमारे इस चैनल में हुनर दान संस्थान. घर पे रहिए, सेफ रहिए. जय श्री राधे कृष्णा. बाय बाय.